मध्य प्रदेश के दसई के समीप भिलगुन गांव में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। बिजली के नीचे लटकती तारों से गेहूं काट रही हार्वेस्टर मशीन टकरा गई। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। विद्युत विभाग के संजय मुवेल सुपरवाइजर ने बताया कि संबंधित लाइनमैन ने लाइट बंद करने के लिए परमिट लिया गया था। परमिट लेने के बाद लाइट बंद हो गई थी। कुछ देर बाद हार्वेस्टर चालू हुई और वापस लाइट चालू कर दी गई। तय सीमा के पहले लाइट चालू कर देने से हार्वेस्टर पर तार घिस जाने से हार्वेस्टर के ऊपर खड़े आदमी को झटका लगा। ड्राइवर के सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा टल गया। अगर हादसा होता तो लाखों रुपए की फसल जलकर खाक हो जाती। आपको बता दें कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते पूर्व में भी नगर के होनहार किसान को बिजली विभाग के ठेकेदार की लापरवाही के कारण एक किसान की मौत हो गई थी। आज भी वही कहानी दोहराई जाती और किसानों के हजारों बीघा की गेहूं जलकर खाक हो जाते, जिसका जिम्मेदार कौन होता। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और शीघ्र तारों को ऊंचा करने की मांग की है। सरदारपुर से संवाददाता दशरथ पाटीदार की रिपोर्ट। विद्युत मंडल पर पहले भी किसान लोग कई बार तारों को ठीक करने के लिए आवेदन दे चुके हैं। पूर्व में भी एक किसान की इसी दुर्घटना में जान जा चुकी है। आज भी हार्वेस्टर से गेहूं काटते वक्त ऐसी घटना घटते घटते बच गई है, जिससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, पर अगर घटना होती तो पूरे क्षेत्र की फसल जलकर नष्ट हो सकती थी। और विद्युत मंडल की लापरवाही के कारण आज बहुत बार पहले भी लोग इस संबंध में शिकायत कर चुके हैं, पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। तार आदमी के सिर पे टकरा जाते हैं, इतने नीचे हैं, और उनको सुधारने की व्यवस्था की जाए। आपका नाम? भरत पाटीदार। गेहूँ कट रहे थे तो वो लाइनमैन से परमिट लिया था उन्होंने। लाइनमैन ने परमिट भी दिया, पर हीटर का टाइम होने का चालू का टाइम 10 बजे था। ग्रिड ऑपरेटर की लापरवाही से उसने लाइन चालू कर दी और लाइनमैन से बात नहीं करी। सर, ये बड़ा हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन था? वो ऑपरेटर उसका जिम्मेदार, जो जिसकी गलती वही उसका जिम्मेदार है। उसके ऊपर कार्रवाई कर दी है, उसको ग्रिड से बंद कर दिया है, अब वो नहीं आएगा और उसके ठेकेदार को लिखित में अवगत करवाया। सर, पूर्व में इस प्रकार की घटना हुई थी, जो एक खेत में ट्रैक्टर के माध्यम ट्रैक्टर से एक की मृत्यु हो गई थी सर, उसमें भी आज तक कुछ भी नहीं हो पाया है। तो मेरे यहाँ आने के पहले का मामला है, उसका मेरे को अभी मालूम नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। बाकी वहाँ पे भी लाइन नीचे थी और वहाँ का पोल मैंने ही खड़ा करवाया था जी। आज भी कई ठेकेदारों की गलतियों के कारण आम नागरिक जो भुगत रहे, क्या है पूरा सर? कई गांव में आज भी तार नीचे हैं और देखा जाए तो जहां पर क्या बोलते केबल लगना थी वहां आज तक केबल नहीं लग पाई। देखो, फेडरल सेपरेशन बहुत सी केबल लगी है पर यहां पे दसई में केबल नहीं लगी है। सर, ये एक विद्युत मंडल की तरफ रोड वाले की तरफ से यहां पर हर थंबों पर लाइटें लगाई थी, पर आज तक तो लाइटें दिख नहीं रही है, या तो चोरी हो गई, तो आपने किसी की शिकायत करी है कुछ? देखो, लाइटें लगाई थी, बहुत सी तो खराब भी हो गई है और बहुत सी चोरी हुई है, उसका भी हमारे पास कोई आया भी नहीं, किसी ने शिकायत भी नहीं करी कि चोरी हुई है क्या हुई है। सर, ये किसानों का कहना है कि हमने पूर्व में आवेदन दिया था, कई बार आवेदन लिखे तो मौखिक में किया तार खींचने के लिए दिया गया किए जाए, लेकिन जो आवेदन मेरे पास आए हैं जी, मैंने उनको आगे लेके करवाए हैं, और जो लाइनमैन को बोला उसने नहीं किया या क्या है वो मामला मेरे को मालूम नहीं है, और मेरे पास जो आया वो मैंने करवाए तत्काल करवाए। सर, आपका नाम बताने? संतोष मुवेल, कनिष्ठ यंत्री। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.